पीरिडिन की सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोफिलिकब्ट्यूशन इसमें कवर करेंगे बेंजीन में जब एक पोजीशन पर नाइट्रोजन लग जाए तो उसको हम बोलते हैं पीरीडिन पीरीडिन की स्पेलिंग है पी वाई आर आई डी आई एन ई सो इसका केमिकल फॉर्मूला है सी फाइव एच फाइव एन एंड इसमें अब स्मेल जो है वो फिश लाइक -like होती है सो so ऑटोमेटिकली पता है अनप्लेजेंट स्मेल है हाईली फ्लेमेबल है ईजली हैंडल नहीं कर सकते हैं ऑटोमेटिक है एंड फ्लैट मॉलिक्यूल है जब हम इसको देखते हैं ओके okay? सिंथेसिस देख लेते हैं नॉर्मली जो है वो हम किसी भी रिंग से भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं जैसे मैंने पायरोल में सी एच सी एल थ्री लिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच एल्कोहल के प्रेजेंस में पीरियडिन का डेरिवेटिव बना लिया बट मोस्टली जो हमें पूछा जाता है वो सिंथेसिस अलग हैं एंड वो इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा जिसको हम लास्ट में देखेंगे एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब इम्पॉर्टेंट है इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं हो पाती है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है राइट right? तो जिसके कारण वो रिंग जो है वो लेस एक्टिव हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एज़ कम्पेयर टू पायरोल एंड बेंजीन, एंड इसको हार्श कंडीशन दें तो थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट मिल जाता है बट सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिलता इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल ना हो तो हमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि हमने इसको बोला है कि ये ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल वाला क्राइटेरिया जो है वो पास करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें बहुत हार्श कंडीशन देनी पड़ती हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग करनी पड़ती है एंड लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स के वगैरह वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमारा मेन मोटिव नहीं है वो है अलग प्रोसीजर मतलब करवा सकते हैं पॉसिबल है एक एक्सटेंट पर अलग अलग पोजिशन पर एक्सपेरिमेंट करके बट क्वेश्चन इज वट इज द रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेशन इज वाई नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पीरियडिंग एज वी नो कि जो वजीन है उसमें हर

पैचअप करके उसने बनाया एक एडिशनल प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें एडिशनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए था चलो हम बना भी लिया एडिशनल प्रोडक्ट बट वो एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करता है सो so, जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट ही नहीं करता है वो एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है सो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि

पीरियडिन सिंथेसिस विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इसको ध्यान से समझ लेना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई है जिसको मैं साथ साथ क्लियर करती रहूँगी कंडेंसेशन करवानी है हमने या तो बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो या फिर बीटा किटोन एस्टर ले लो रिएक्ट किसके साथ करवाना है जी एलडीहाइड एंड अमोनिया जब हमने एलडीहाइड डालना है तो साथ में अमोनिया डालना है तो जहाँ पर मैंने सी एच थ्री सी एच ओ लिखा है साथ में आपने लिखना है जी अमोनिया एंड जो ये स्ट्रक्चर है इसमें जो मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन के साथ बना दिया अपने कार्बन के साथ बनाना है तो जो आपको राइट right साइड पर स्ट्रक्चर दिख रही है वो सेम है तो वो वाली सही है तो वहाँ से आप देख लेना थोड़ी सी मिस्टेक अभी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम नोटिस किया है तो इससे इसके बाद बनेगा जी ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें आप देख सकते हैं एन के साथ एच है जब हम एच एन नो थ्री में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जो एन के साथ एच है वो हट जाएगा पीरोडिन का डेरिवेटिव बन जाएगा अब हम इसमें डालेंगे के ओ एच एंड एथेनोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे जिससे हमें टू फोर सिक्स ट्राई मिथाइल पीरोडिन मिल जाएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वहाँ से डाउनलोड कर लेना वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा थैंक यू टेक केयर बाय बाय